हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ढाबा स्टाइल पनीर बनाने का तरीका बताऊंगी। ये पनीर मसाला बहुत ही टेस्टी बनेगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और बहुत ही टेस्टी और झटपट ये पनीर बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। ये मैंने 250 ग्राम टमाटर लिए हैं और 250 ग्राम ही मैंने लिए हैं प्याज। तो इन दोनों चीज़ों को हमें मिक्सी में ग्राइंड करना है। ये मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है तो इसके भी हम छोटे छोटे क्यूब्स बना लेंगे। तो हम सबसे पहले ये प्याज को मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। प्याज और लहसुन भी है इसमें साथ में, तो मैंने प्याज को ग्राइंड कर लिया, लहसुन को भी, और ये मैंने टमाटर को भी ग्राइंड कर लिया है। ये मैंने पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इस पर मैंने एक पैन रख दिया है, तो इसको हम गर्म होने देंगे। तो ये मैंने एक बड़ी चम्मच सरसों का तेल डाला है इसमें। तो आप इसमें कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हो जो आप यूज करते हो। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं इसमें 1 स्पून जीरा डाला है। तो जीरा हमारा अच्छे से चटक जाए तभी हमें इसमें दूसरी चीज़ें डालनी है। तो ये मैंने काली मिर्च और लौंग को थोड़ा दरदरा कर लिया, तो ये काली मिर्च और लौंग डाल दी है मैंने। और अब मैं इसमें ये प्याज और लहसुन का जो मैंने पेस्ट बनाया था ये डाल रही हूँ। तो इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इनका हम कलर चेंज होने तक अच्छे से इनको भूनते रहेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हमें इनको भूनना है। तो फ्रेंड्स, इसको भूनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तो आप देख रहे हो कलर इसका चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें जो हमने ये टमाटर की प्योरी बनाई थी इसमें ये डाल देते हैं। तो टमाटर की प्योरी को डालकर अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। तो ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसमें 1 स्पून नमक डाल देती हूँ। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। 1 स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है और 1 स्पून इसमें डाल दिया है मैंने हल्दी पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल दी है मैंने लाल मिर्च। तो इसको चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो अब मैं इसमें एक पिंचिंग डाल देती हूँ। तो मैंने इसमें एक पिंचिंग डाल दिया है। हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स, तो हींग डालना बहुत ही ज़रूरी है इसमें। तो इस सारे पेस्ट को हम अच्छे से भून लेंगे। ये मसाला पनीर बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका मन करे इस तरीके से आप मसाला पनीर बना सकते हैं घर पर, बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनेगा। तो इसमें मैंने 2 बड़ी चम्मच दही डाली है, तो आपको मैं वीडियो में दिखाना भूल गई उसको। तो दही को डालकर मैंने अच्छे से मिला दिया है और अब मैंने इसमें 1 चम्मच फ्रेश मलाई डाली है जो हम दूध से उतारती हैं, ये वही मलाई है। तो मलाई को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। आप चाहे तो इसमें बाजार से क्रीम लाकर वो भी डाल सकती हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये ग्रेवी बहुत ही थिक हो गई है। तो इसमें मैंने 1/2 गिलास पानी डाल दिया है। आप जितनी जैसी भी ग्रेवी खाना चाहते हैं इसी तरीके से इसको रख सकते हैं। तो अब हम इसको ढक्कन लगा देती हूँ और 5 मिनट इसको ढक्कन लगा करके पकाऊंगी। तो इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, तो हम ढक्कन हटा के देख लेते हैं। तो ये ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम सबसे लास्ट में इसमें जो हमने पनीर के पीस बनाए थे इसमें ये डाल देते हैं और इन पनीर के पीसेज को डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें।
और अब हम 5 मिनट और इसको ढक कर के पकाएंगे, जिससे कि जो ये पनीर है इनमें मसाला अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। तो इसको 5 मिनट हो गए पकते हुए, अब हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये हमारा पनीर अच्छे से बन चुका है। और अब हम सबसे लास्ट में इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाला है मैंने इसमें। ये मैंने घर पर का बना हुआ है मसाला डाला है, आप इसमें कोई भी मसाला यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा मसाला पनीर बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसको सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये झटपट मसाला पनीर बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल बना है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।